शैक्षणिक महासंघ की पदयात्रा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। हिम्मतनगर खाते शैक्षणिक महासंघ की पदयात्रा योजाई हती। जूनी पेन्शन योजना ने लागू करवा मुद्दे जो के पदयात्रा योजाई हती। साबरकांठा अरवली गांधीनगर जिला शिक्षकों पदयात्रा में जोड़ाया था। पदयात्रा में पदाधिकारी और कर्मचारी हाजर रहा था। शहर में बे अलग अलग जगह थी पदयात्रा आयोजन कर पदयात्रा में पदाधिकारी कर्मचारी हाजर रहा। शहर में बे अलग अलग जगह थी पदयात्री जो के आयोजन कर परशुराम पार्क में महापंचायत रूप में जो कि पदयात्रा फेरवाशे। महापंचायत में कर्मचारी पड़तर प्रश्न बाबते चर्चा करते। तरह हिम्मतनगर खाते शैक्षणिक महासंघ की पदयात्रा योजाई थी। जूनी पेन्शन योजना ने लागू करने मुद्दे आ पदयात्रा आयोजन कर साबरकांठा अरवली गांधीनगर जिला शिक्षकों पर जोड़ाया था। जो कि साबरकांठा अरवली गांधीनगर जिला शिक्षकों जोड़ाया। पदयात्रा में पदाधिकारी और कर्मचारी हाजर रहा था। शहर में बे अलग अलग जगह थी पदयात्रा आयोजन कर परशुराम पार्क में महापंचायत रूप में आ पदयात्रा फेरवाशे। महापंचायत में कर्मचारी पड़तर प्रश्नों बाबते चर्चा करते। हिम्मतनगर खाते शैक्षणिक महासंघ की पदयात्रा आयोजन कर जूनी पेन्शन योजना ने लागू करने मुद्दे आ पदयात्रा योजाई। जे महापंचायत में कर्मचारी पड़तर प्रश्नों मुद्दे पर चर्चा करते। जो कि साबरकांठा अरवली गांधीनगर जिला शिक्षकों पर आ पदयात्रा में जोड़ाया। पदयात्रा में पदाधिकारी कर्मचारी जोड़ाया। शहर में बे अलग अलग स्थले थी पदयात्रा आयोजन कर परशुराम पार्क में महापंचायत रूप में आ पदयात्रा फेरवाशे। महापंचायत में कर्मचारी पड़तर प्रश्न बाबते चर्चा करते। तरह हिम्मतनगर खाते शैक्षणिक महासंघ की पदयात्रा योजाई। વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા દીપકસિંહ રાઠોડ જોડાયા છે, જે દીપકસિંહ હિંમતનગર ખાતે શૈક્ષણિક મહાસંઘની પદયાત્રા યોજાઈ હતી. શું છે વધુ વિગત? મહાસંઘનું આજે દ્વારા પદયાત્રા યોજાઈ હતી. તો વાસ્તવમાં જે હિંમતનગર ખાતે ઓલ્ડ પેન્શન માટે પદયાત્રા યોજાઈ હતી. બે અલગ અલગ પદયાત્રા શહેર યોજવામાં આવી હતી. સાબરકાંઠા અરવલ્લી અને ગાંધીનગર જિલ્લાના પદાધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. વાત કરવામાં 1/4/2005 પહેલા નિર્ણય શિક્ષકોનું પેન્શન સમાવેશ યોજના કેટલાક મુદ્દાઓ સમાધાન કરવામાં પણ ઠરાવ કરવામાં યાત્રા કરાયા હતા. ત્યારે એ દરમિયાન અત્યારે હાલ પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. વાત કરીએ શહેર ટાવરના ચોકથી પશુ પાર્ક મહા પંચાયત પાસે આ પદયાત્રા યોજવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર. હિંમતનગર ખાતે શૈક્ષણિક મહાસંઘની પદયાત્રા યોજાઈ હતી.